Now see students, three criterias: A, second one S, and third one S, ये क्राइटेरिया हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रूव कर चुके हैं। अब इन क्राइटेरियाज के बेस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे कुछ एग्जांपल्स में करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 का, और इसमें क्वेश्चन देता है आपके पास, एक फिगर देता है, इनको क्लोजली ज्वाइन करता है, नेम इनके पी क्यू, ये ओ और ये आर एस। इसमें वो देता है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ये फिगर में जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल लाइन है, इनको क्रॉसली ज्वाइन किया है पॉइंट ओ पे, ये क्रॉस जो डायगनली ज्वाइन करेंगे इनको इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो आपको ट्राई करना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया में सिर्फ हमें एंगल्स चाहिए, और वो एंगल्स हम इन फिगर्स से मिल सकते हैं। अगर आप एस और एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाना चाहेंगे तो आपको कोई भी साइड का जो रेशियो मिलता है वो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। सो यहां आप लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, इसमें मैं इस एंगल पी को तो एंगल वन नेम दे देता हूं, इस एस को एंगल नंबर टू दे देता हूं। तो आप रख सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल थ्री एंगल फोर, थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंड सेम वैसे वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर देयर। टेक दिस एज फाइव, दिस एज सिक्स, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, थ्री एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सो हियर वी कैन से बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ सी योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फाइव, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। सी फिगर है आपके पास, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसमें जो मिसिंग एंगल गिवन है आपसे उसका मेजरमेंट बताना है। फिगर आर, दिस इज द ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एंड आरपीक्यू ट्रायंगल, आरपीक्यू। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज 3.8, बी सी इज 6 एंड ए सी इज 3√3। ही सेड दिस एंगल इज 60°, दिस एंगल इज 80°। नाउ ही सेड दिस इज 6√3, दिस इज 12 एंड दिस इज 7.6। दिस क्वेश्चन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एंगल पी, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी विल बी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री. जो टू एंगल्स का मेजरमेंट है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सम इसका थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लेंगे. ये आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री एंगल सी विल बी 40 डिग्री. ओके नाउ सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हियर वी विल राइट द नेम पी क्यू आर. नाउ सी द कोरस्पोंडिंग साइड्स हियर ए सी साइड इज 3√3 दिस इज 3.8 दिस इज 6. Now we can see the sides of triangle PQR are just double of triangle ABC. So we will see the ratio AB 3.8. We will start from here. RQ this is 7.6. Then BC 6. So we will start QP 12. So here the right name of triangle will be RQP. कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल का नेम देना होता है. तो अब आप यहां पर रखेंगे ए बी इट्स रेशियो आर क्यू इज इक्वल टू 3.8 डिवाइड बाय 7.6 इट्स 2:1. अगेन यू विल राइट क्यू पी this is CB this is 6 so CB numerator and QP denominator this 6/12 this is also 2:1 and here BA and this will be PR this is 3.AC and PR this is 3√3 this is 6√3 and when we cancel down ratio we take different this is not 2:1 this is 3.8 this is 7.6 so ratio will be 1:2 CB is 6 this is 12 so ratio will be 1:2 AC 3√3 and this is 6√3 so ratio will be 1:2 now we can say so by SSS criteria triangle ABC is similar to triangle RQP. We have to find angle P. So with the corresponding parts, angle P will be equal to angle C. The last vertex point of this triangle, last vertex of this triangle. So here we can say angle C is equal to angle P and angle C is 40 degree. So you will write equal to angle P equal to 40. This we have to find only. Okay. See your next example. That is example number 6. He gives a figure. And in the given figure, we have to find the missing angles or we have to show. Figure is this one. This is A O D B C. He say O A into O B is equal to O C into OD and we have to show that
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. दिस वी हैव टू प्रूव. सी एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल ए हियर एंड सी हियर, एंगल बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी एंड एंगल डी. सो इसके अकॉर्डिंग अपने पास कोरस्पॉन्डिंग आना चाहिए कि अगर इसका फर्स्ट वर्टेक्स पॉइंट हम ए लेते हैं तो इसका फर्स्ट वर्टेक्स पॉइंट सी आएगा, क्योंकि ए और सी को हमें इक्वल प्रूव करना है. डी और बी को इक्वल प्रूव करना है तो ये जहां पे भी आएंगे उसी पोजीशन पे इस ट्रायंगल का नेम देना है. यहां पे सिर्फ अपने पास से एक चीज आती है कि ये जो एंगल्स हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे. तो जो गिवन है आपके पास OA इनटू OB, दिस इज OC अपॉन OD. सो यू विल राइट OA इनटू OB इक्वल टू OC इनटू OD. नाउ टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स. वी टेक OA, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम O. OA, सो इन दिस ट्रायंगल रेशियो मस्ट बी OC. सो वी विल टेक OA एंड ट्रांसफर OC टू द लेफ्ट साइड एंड हियर द रेशियो इज OD डिवाइड बाय OB. OD के साथ में जो रेशियो आएगा वो OB का रेशियो रहेगा. अब आपके पास इन टू साइड्स के रेशियो इन टू साइड्स के रेशियो के इक्वल है और मिडल का वन एंगल इक्वल है तो आप SAS क्राइटेरिया को यहां पे यूज कर देंगे. सो यू विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल. नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो नेम देते हैं आप OAD, इस ट्रायंगल का नेम दीजिए और इधर OCB का नेम दीजिए. कंटेंट्स आर देयर OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCB एंड इफ दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स देन इट्स सेकंड वर्टेक्स एंगल A विल बी इक्वल टू इट्स सेकंड पॉइंट दैट इज एंगल C इक्वल एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D will be equal to angle B because the triangles are similar and then you will write hence verify. See one more example. Example is a girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. Question है कि एक lamp post है, एक girl है जो यहाँ से चलना start करती है और इस लैंप पोस्ट पे लाइट जली हुई है तो ये मान लीजिए कि ये हाइट है उस गर्ल की. ये यहां से यहां एक स्पीड के साथ में चलती है जिसको बोलते हैं कि 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही हो. तो कहता है कि इसकी जो शैडो बनेगी वो ये शैडो बनती है. यहां पे ये वर्टिकल है तो ये भी 90 लेना पड़ेगा अपने को, ये भी 90 लेना पड़ेगा. स्टैंड रहेगा, वर्टिकली स्टैंड है. इसमें कहता है कि इसकी जो हाइट है लैंप की, सपोज हम ए बी लैंप की हाइट को शो करते हैं और सी डी गर्ल की हाइट को शो करते हैं और हमने लिया कि ये पॉइंट ई है जो इसकी साइडों के साथ में बनता है. यहां पर अपने पास गिवन है ए बी, ये 3.6 मीटर है जब आप और गर्ल की जो हाइट है सीडी वो 90 सेंटीमीटर देता है.
तो ए बी लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो और जो गर्ल की हाइट है वो, उन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ए बी 3.6 मीटर है, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको 360 सेंटीमीटर इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सी डी आपके पास 90 सेंटीमीटर आता है। अब ये बी डी अपने को फाइंड आउट करना है, तो जो बी डी रहेगा वो 1.2 मीटर उसको स्पीड है, तो इसको जब 4 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी, मीन्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, 4 सेकंड तक वॉकिंग करती है, तो बी डी आ जाएगा आपके पास 4.8 मीटर, और इसको भी जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 480 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ सी, अपने को सी डी फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको जो ये टू ट्रायंगल्स बनते हैं, एक कंप्लीट ट्रायंगल ए बी ई और एक सी डी ई, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर करना होगा, और फिर जो गिवन मेजरमेंट है उनका रेशियो लेंगे, और रेशियो से जो मिसिंग साइड है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। ये आया आपके पास 480 सेंटीमीटर। हमने लिया कि इसकी साइडों की जो लेंथ है वो एक्स सेंटीमीटर है, जो टोटल डिस्टेंस रहेगी यहाँ से बी ई वो 480 प्लस एक्स सेंटीमीटर रह जाएगी। ये आपके पास गिवन है 360 सेंटीमीटर है, और ये 90 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल ए बी ई लिया एंड ट्रायंगल सी डी ई, यहां पे जो एंगल बी है वो आपका एंगल डी है, ईच ऑफ 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का भी एंगल ई है, और इस ट्रायंगल में भी एंगल ई है, ये कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये एंगल इक्वल रहेगा। अब आपके पास क्राइटेरिया था ए ए ए, इसी क्राइटेरिया को आप सिर्फ ए ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब टू ट्रायंगल्स हैं, उन ट्रायंगल्स में अगर टू कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल आएगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जब थर्ड एंगल आप फाइंड आउट करोगे तो बोथ ट्रायंगल का सेम मिलेगा इफ टू एंगल्स आर इक्वल। So here you will write by a criteria, triangle ABE is similar to triangle CDE. ये जो ABE triangle है और CDE ये similar triangles हैं। अब अपने को find out करना है DE, उसके लिए इसकी last two side और इसकी last two side। यहां से आपके पास AB given है इस triangle में, तो अब इसका ratio तो ले लीजिए AB के साथ में, तो इसका कौन सा रेशियो आ जाएगा, इसका फर्स्ट टू पॉइंट ए बी और इसके फर्स्ट टू पॉइंट सी डी, इसका रेशियो इक्वल टू, अपने पास कंप्लीट साइड के साथ में ये साइड लेनी है, कोरस्पोंडिंग साइड्स लेनी, तो इधर बी ई और ये डी ई। ए बी आपके पास 360 गिवन है, सी डी 90 है, बी ई जो है वो आपके पास 480 प्लस एक्स है, और डी ई आपको कैलकुलेट करना है वो x है। यहां से जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये तो आ गया 4, और x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया 4x इज इक्वल टू 480 प्लस x। x को आप इस साइड में ले लीजिए तो 4x माइनस x आ जाएगा आपके पास 480, 3x इज इक्वल टू 480, और x आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 3, और ये रहेगा 160, मीन्स एक्स आता है आपके पास 160 सेंटीमीटर, और इसको आप 1.6 मीटर रख सकते हैं। सो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द गर्ल विल बी 1.6 मीटर। सी लैंप पोस्ट है, गर्ल की हाइट है, गर्ल यहां से इसके बॉटम से चलना स्टार्ट करती है, वो 4.1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, तो 4 सेकंड तक चलती है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो 480 सेंटीमीटर कवर कर जाएगी। इसकी हाइट भी गिवन है, इसकी भी हाइट गिवन है। हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से ज्वाइन करके इसकी जो शैडो बनेगी, देखिए यहाँ से जो लाइट आएगी इसके हेड यहाँ से इतना ही लाइट कवर कर जाएगी, तो ये जो शैडो बनेगी वो शैडो की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम इसकी जो लेंथ है वो हमने एक्स सेंटीमीटर लिया, ट्रायंगल्स बनते आपके पास ए बी ई और सी डी ई,
इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर करेंगे, इनके कोरस्पोंडिंग टू एंगल्स इक्वल मिलते हैं, ये 90-90 मिलता है और ये कॉमन एंगल आपका। ओके, सिमिलर करने के बाद हमारे पास जो नॉन साइड्स हैं ए बी और सी डी, देखिए यहां से अगर ए ई साइड और सी ई लेंगे तो उससे हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इनके मेजरमेंट आपके पास गिवन है ही नहीं, सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो नॉन साइड होंगी ए बी सी डी, और इधर जो हमें कैलकुलेट करना है उसका रेशियो इन साइड्स के साथ में लेंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एक्स हमने लिया था यहाँ पे इसकी लेंथ, वो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर। ओके, सो इसी के बेस के आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, और एक्सरसाइज 6.3 के आज आप 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वो सिंप्लीफाई कीजिए, बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट में करेंगे। थैंक्स।